उज्जैन में सस्ते सोने के आभूषण देने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले युवकों का पर्दाफाश किया है। इन धोखेबाज युवकों पर पुलिस ने केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है। सीमनगंज थाना क्षेत्र में वीरनगर में जालसाज युवकों ने पवन शर्मा को 200 ग्राम सोने के आभूषण दिए। पवन शर्मा ने सस्ते में आभूषण मिलने की लालच में खरीद लिए और जब शर्मा ने इन आभूषणों की जांच करवाई तो पता चला कि यह आभूषण नकली हैं। युवक ने सीमनगंज पुलिस को शिकायत की और मामले को जांच में लिया तो उज्जैन के कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया और इनसे पूछताछ शुरू की। उन्होंने कबूल किया कि दिल्ली से नकली सोने के आभूषण लाते थे और शहर में बेचते थे और पूर्व में करीब 5 लाख के जेवर सस्ते सोने के बताकर वारदात को अंजाम दिया। अब यह सस्ता सोना बेचने वाले युवकों को सीमनगंज पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।